यार चलो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, फिर बताऊंगा मेरी जिंदगी कैसे बदली। चलो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले एकदम नल्ला और नकारा था, बस दिन भर यूं ही इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करते करते ख़त्म कर देता था, कुछ भी नहीं करता था। और मोटा हो गया था इतना कि खुद को शर्म आ रही थी शीशे के सामने जाने में। इतना बेकार था, अपने लिए तो कुछ नहीं करता था, दूसरों के लिए तो कहाँ से करूँगा। मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल रहे थे, कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ और, पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, बस अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा था यूं ही। ऐसा नहीं है मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास अच्छे कपड़े थे पहनने को, पैसे थे जिम के लिए, गर्लफ्रेंड भी थी, वो भी छोड़ के चली गई। पर फिर भी इतना ज़्यादा बेकार था कि अपनी हालत अपने आप ख़राब करी। लेकिन फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कर रहा था एक दिन और मेरे को एक मूवी क्लिप मिली, और मैंने सर्च करके पता लगाया कौन सी मूवी है, और पूरी मूवी देखी और अपनी ज़िंदगी सही करी। मूवी का नाम है साउथ पो। इस मूवी में बिली होप नाम का बंदा होता है जो कि एक बॉक्सर होता है नंबर वन। उसके पास सब होता है, एक खूबसूरत वाइफ, एक बच्चा, बड़ा घर, बढ़िया गाड़ियाँ, लैविश लाइफ। फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें उसकी लड़ाई होती है एस्कोबार से, जो कि एक बॉक्सर होता है। बिली होप से चलता है क्योंकि होप नंबर वन बॉक्सर होता है, तो ये एस्कोबार बेमतलब के पंगे लेता है होप से। इसी बीच एस्कोबार होप की वाइफ को बिच कह देता है, और कौन ऐसा बंदा होगा जो अपनी वाइफ के बारे में ऐसा सुनेगा। तो होप मुंह बहस करने लगता है। इसी बीच एस्कोबार का एक बंदा गोली चला देता है, और गोली जाके लगती है होप की वाइफ मोरिन होप को, और मोरिन होप मर जाती है। और बिली होप सदमे में आ जाता है और बॉक्स की नहीं करता, जिसके कारण वो कर्जे में आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ियाँ, घर, लेविस लाइफस्टाइल सब छीन जाता है, और तो और उसकी बच्ची को भी छीन लेते हैं। फिर होप जाता है टाइटस विल्स के पास, जो कि उसको ट्रेनिंग देता है चैंपियनशिप के लिए, जिससे वो एक जिम्मेदार बाप बनेगा, ताकि कोर्ट बच्ची की कस्टडी होप को दे देगा और पैसे भी आ जाएंगे। तो होप टॉयलेट साफ करता है और दिन भर ट्रेनिंग करता है, और फिर होप अपनी लड़ाई लड़ता है एस्कोबार से, क्योंकि एस्कोबार ही होता है उसका अपोनेंट। और होप लास्ट पंच मारता है और चैंपियनशिप जीत जाता है। ये मूवी देखने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी बदल ली, क्योंकि जब होप सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानता तो मैं क्यों हार मानूँ। प्लीज़ ये मूवी देखो और अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन लाओ। अगर आपकी ज़िंदगी बोरियत है तो ये मूवी आपको मोटिवेशन देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।